होना चाहिए एक ऐसे Hey guys, welcome back to my channel. Good morning. And इस टाइम टाइम हो रहा है 7 AM एंड हम जा रहे हैं ओमान क्रूज ट्रिप पे, ओमान मुसद्दम क्रूज ट्रिप पे, जैसा आपने थंबनेल से पढ़ लिया है. एंड इस टाइम हम सबसे पहले मैं आज आपको पूरा इसका सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या इसमें कैसा क्रूज होता है, क्या फूड होता है एंड कैसे आप जा सकते हो, क्या चार्जेस होते हैं एंड एवरीथिंग. सो हम निकल चुके हैं. फिलहाल हमारा पिकअप था, तो इसमें पिकअप में भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक बस का ऑप्शन होता है और एक कार का ऑप्शन होता है. कार का ऑप्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस पर पर्सन देके आप कार ऑप्शन पिकअप ले सकते हो. तो फिलहाल जो हमारा पिकअप है वो इस टाइम पे बर्जुमन से था, लेकिन हम थोड़ा सा 5-7 मिनट लेट हो चुके हैं. 7 o'clock का पिकअप था, हम घर से निकलने में थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए. तो अब हम अलकूज जो दूसरा पिकअप है हम उस पर जा रहे हैं. एंड यस, तो फिर वहाँ से जो ओमान क्रूज वाले जो हैं वो हमें वहाँ उस पिकअप से क्रूज के पिकअप तक लेके जाएंगे. सो यस, हाय अतु. तो यस, स्टे ट्यून फॉर फुल व्लॉग एंड इट विल बी सुपर 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 फन. एंड यस, व्लॉग अगर अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर दो अभी ही एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अपूर्वा आद्वित, हाँ ओके, पासपोर्ट है. अब वो पापा के बैठ जाओ, बोलो आओ. और ये थी हमारी बस जिन्होंने हमें पिक करके क्रूज तक हमें ड्रॉप किया था. तो इस बस में सारे जो लोग थे वो सब जो हमारे क्रूज में ट्रैवल कर रहे थे हमारे साथ, एवरीवन वाज दैट ओनली इन दिस बस. और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मॉस्क, ये ग्रैंड मॉस्क ओमान की है और ये ओमान यहाँ से स्टार्ट हो गया था बेसिकली. फुजैरा है ये, जो ओमान से पहले बॉर्डर आता है, दैट इज़ फुजैरा. सो ये जो स्पेसिफिकली जो एरिया है ये फुजैरा ओमान का एरिया है. और आप देख सकते हो कितनी सुंदर सिमेट्रिकल बिल्डिंग सारी बनी हुई है, बिल्कुल प्योर वाइट में, और इतनी सुंदर लग रही थी. क्लीन वाइट स्काई, प्रॉपर ग्लश ग्रीन ग्रासेस एंड वाइट बिल्डिंग्स, बहुत सुंदर व्यू था. और जब हम ओमान के बॉर्डर पे पहुँचे जहाँ से हमारा क्रूज था, तब ये जो बॉर्डर पुलिस होती है वो हमारा वीज़ा एंड पासपोर्ट्स चेक करती हैं. सो एवरी इंडिविजुअल का पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी और वीज़ा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब ये पुलिस ऑफिसर्स चेक करते हैं बस में आके. और ये मैंने आपको स्पेसिफिकली कैमरा दिखाया, आप देखो 5 कैमरा लग रहे थे, 4 कैमराज ये रहे और एक ऊपर एक छोटा सा कैमरा और है. आई थिंक मेरे फ़ोन में आपको कैप्चर होकर 5 वाइट कैमराज हैं. और ये 5 वाइट कैमरा देखो कार पे कैसे पॉइंटेड है, बिल्कुल मतलब यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, किसी भी आप एमिरेट में चले जाओ क्राइम होने का तो चांस ही नहीं है, आपके ऊपर इतनी कड़ी निगरानी है. और ये था हमारा क्रूज जहाँ पर हम पहुँच गए थे. सो सब लोग क्रूज की तरफ जा रहे थे. क्रूज इज ब्यूटीफुल. आ जाओ, कहाँ पे वो सबसे उधर वाली, पर वहां तो लोग बैठ गए ना, उसके आगे सामान भी बड़ा है. बेटे गैप पूरा बड़ा हो रखा है, अब वो पता भी नहीं चलेगा, पिल्लों के पीछे चला जाएगा. प्लीज okay.
सो गाइस, अब हम क्रूज में पहुंच चुके हैं. अभी फिलहाल ऑनबोर्डिंग चल रही है. जैसे मैंने आपको बताया, हमें बाय कार इनका जो एक टैक्सी का मीटअप पॉइंट होता है, हमें वहां तक जाना था. फिर उसके बाद हम वहां से इनका जो बसेस का पिकअप होता है, जो हमें ओमान लेकर आया है. जो ओमान का मेन ये एरिया है, इट्स डिब्बा. सो ये डिब्बा, हम डिब्बा वाले उसमें है, हिल्स में, जिसमें सारे वाटर स्पोर्ट्स एंड ऑल एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली. सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड अभी ऑन बोर्डिंग चल रही है सबकी. फिर उसके बाद क्रूज स्टार्ट होगा एंड देन वील स्टार्ट आर जर्नी. जब हम ओमान आ रहे थे ना, तो हमने जो पुराना एरिया देखा ना, वो बिल्कुल मुझे उसको देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे डंकी मूवी में नहीं दिखाते, मतलब जैसे पुराने जो अरेबियन कंट्रीज होती थी और हम वो मूवीज़ में बचपन से देखते आते थे ना, वो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल अरबिक कंट्रीज़, उस टाइप का फील हो रहा था जो डंकी मूवी में दिखाते थे ना. इधर से पार करके वो बॉर्डर क्रॉस हो गया और फिर वो बॉर्डर क्रॉस हो गया विदाउट वीज़ा, विदाउट फ्लाइट, वो सब मुझे फील हो रहा था. और मुझे इतनी सारी मूवीज़ के फ्लैशबैक्स हो रहे थे बिकॉज वो एरिया ही कुछ ऐसा था. एंड अभी मील तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर हम जो अपने घर से थोड़ा बहुत मंचिंग कर आए हैं, हम तो वो अपना वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम खा रहे हैं बिकॉज सुबह हम बस ब्रेकफास्ट करके निकले थे. स्विमिंग कॉस्ट्यूम, अपने सब अपने अपने क्लोथ चेंज कर रहे हैं. सो आज बस हम भी करेंगे, फिर जाएंगे वाटर. और ये सबकी लाइफ जैकेट्स पड़ी हैं. अबू इधर ही आ जाओ, हम इधर से करेंगे. अबू वी आर ट्राइंग फिशिंग. वेर गई नीचे. अबू वो आदित, आपको ना स्ट्रिंग नहीं पकड़नी. एक बार आदित को हैंड पे वैसे ही पकड़ा दो, इसका मन है तो बस स्ट्रिंग नहीं पकड़ना अभी. नहीं अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है. वो तो एंड में जाके ऊपर पुल करना है इसको. किसको पुल करना है? इसको रोल करना है ना दोबारा. इतना लंबा ऐसे ऐसे? हाँ. अरे नहीं, वो तो बहुत ज्यादा है. हाँ हाँ. आगे 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 आगे. If we are going to have a fish, are you going to eat that fish? Show me your face. Are you going to eat that? No. Why? लग रहा है नहीं आ गई है, वो खा रही है शायद. पता लगे खा के चली जाए. रुको रुको, मैं ऊपर रोल करती हूँ. मामा इज रोलिंग. इसको वो होना चाहिए एक ऐसे. ओके. ठीक है. ओ अभी अपुन साइड में आ रखी है यार. अबू बहुत हैवी है, मैं झूठ नहीं कह रही. अबू रोल इट, अब ऊपर खींचो. क्यों लग रहा है आपको? यू आर एक्साइटेड अबाउट द फिशिंग ना? फिशिंग तो एक्साइटेड तो चलेंगे. के मैं सच्ची कह रही हूँ यार, ये रो. मम्मा एक डॉल्फिन पकड़ के दिखाएंगे, ठीक है? फिर देखते हैं. चलो फिर आदित क्या करेगा डॉल्फिन के साथ? लग रहा है हमने डॉल्फिन पकड़ ली. What will you do with the dolphin? ग्रैंड बेले में तो लेके नहीं जा सकते. नहीं, अंदर टब में रख लेंगे ना उसको.
तब मैं वाटर फिल करके आप उसके आप ले कर लेना। हाँ आप उसके आप ले कर लिया करना। नहीं नहीं बहुत ज्यादा खोल दिया पापा ने। सारी की सारी फिश हमने डाली थी, एक उसकी आंख भी दिख रही थी और उसने एज इट इज वो पूरी की पूरी फिश खा ली है और वो लेकिन इसमें आई नहीं है। इनफैक्ट पूरे क्रूज में सबने फिशिंग ट्राई करी बट किसी को एक फिश नहीं मिली। मैंने तो उन्हें कहा था कि अगर कोई एक भी कर ले तो भी मैं उसके साथ पोज कर लूंगी, है ना। आज भी हम पोज मार लेते है ना। हाँ सब अपने अपने रोल करके वापस ला रहे हैं। देखो खाली हाथ बेचारे, किसी को कोई फिश नहीं मिली है। देखो ये भी रखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज बनाना बोट, बट बनाना बोट में भी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि अद्वित को छोड़ के हम बनाना बोट में नहीं जा सकते। बनाना बोट अंदर सी के बीच में जाके वो उसको पलटेंगे तो वो पलट के वो सब नीचे गिरेंगे एंड अद्वित के लिए वो रिस्की है। तो जो हमारी एक बोट है वो रही उधर, वो अब बिठाएंगे उनको। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बिठाते हैं। लो अबुल उसको पकड़ना। बेटा पकड़ा तो है, जब वो टर्न करती है ना तो वो गिर जाती है। ये वाली पैडल बोट आती है ना, वो उन्होंने तो पैडल बोट निकाल के खड़े हो गए। हाँ बेटे आपको करनी है। ये देखो, बट पानी एक्चुअली बहुत ज्यादा सॉल्टी है, इतना सॉल्टी वाटर है। अभी हम स्पीड बोट करके आए हैं तो मैंने हैंड्स सारा सॉल्टी सॉल्टी हो गया। मैं तो जाने का सोच भी नहीं सकती। सो अब हम खाने के लिए, लंच टाइम हो गया, लंच के लिए अब हम रुके हैं। एंड एक बोट कुछ लोगों को लेके अभी बीच पे गई है, बट बीच इज नॉट एट ऑल वर्दी। बहुत ही अजीब सा बीच है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखो, ये बीच है बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल बीच है और आपको जाना पड़े, तो इसलिए हम लोग तो नहीं गए हैं। हम अपने क्रूज पे ही हैं और एक बोट लेके ना वो लोग बीच पे चले गए हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर देम एक्चुअली कि वो आए और विल गो फॉर लंच। हम फिर लंच पे जाएंगे। एक बोट और आ गई, देखो इन लोगों को भी ये बीच पे छोड़ने जा रहे हैं, जिन लोगों को बीच पे जाना है, बिकॉज ऑब्वियसली टूरिस्ट वगैरह को लगता है। बट दिस बीच इज नॉट वर्दी यार, अच्छा नहीं है बीच, बिल्कुल स्टोन्स है। हाय अद्वित। हेलो सेलर। पीप पीप बीप बीप। मैंने आइडिया दिया था आप लोगों को, फ्रेश वाटर से फेस वॉश कर लो, सॉल्टी वाटर होगा सब जगह पे। मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे क्योंकि मेरे गीले नहीं हुए ना, मैं नीचे नहीं गई ना पानी में, तो मेरे बाल गीले नहीं हुए इसलिए मेरे बाल सही लग रहे हैं। बाकियों के बाल ऐसे हो गए हैं बहुत ज़्यादा अजीब से, बिकॉज सब पानी में होकर आए हैं।
गाइस सो अब हम खाना खा रहे हैं। खाने में ऑप्शन इस बार पहली बार दुबई में कुछ इस टाइप की जो है ना खाना वो अच्छा मिला है, लाइक डेजर्ट सफारीज या फिर जब हम नॉर्मल क्रूज पे जाते हैं ना तो उसका खाना बहुत, लेकिन ये खाना बहुत टेस्टी है। मतलब बहुत टेस्टी नहीं कह सकते लेकिन खाने लायक है ये कह सकते हो। ऑप्शन भी अच्छा है, लाइक वेज नूडल्स है, राइस है, सांभर है एंड कुबूस है जो नॉर्मल अरबिक रोटी होती है, हमस वगैरह है एंड चिकन एंड बीफ। सो जो नॉन वेज खा सकते हैं उनके लिए भी दो ऑप्शंस हैं एंड हमारे वेज वालों के लिए भी ऑप्शंस हैं। सो ये सब खाना खाते हैं और वाह हाँ ये रही यहीं पे थी, यहाँ जा रही है, इसके नीचे है, इसके नीचे है। That's a limestone cave. I'll show wait. Back camera से दिखाती हूँ। बस अब तो थक लिए ना, अब तो बस में नींद आएगी बहुत जबरदस्त। तो गाइस अब मैं आपको इसके चार्जेस बता देती हूँ। पर हेड जो इसके हम तीनों के, मेरे अपूर कर आदित्य के, जो हम तीनों का टोटल आया है इंक्लूडिंग कन्वेंस, टोटल 600 दिरहम्स हमें पड़ा है। तो ऑलमोस्ट 200 दिरहम हो गया आपका पर हेड। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके बुक करवा सकते हो अपना ट्रिप, अपना क्रूज ट्रिप। एंड यस आप भी ओमान का ये मुसद्दम का जो क्रूज है इसको एंजॉय कर सकते हो। सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, सीनिक ब्यूटी वॉज वेरी गुड, एक्टिविटीज वर वेरी गुड एंड जो स्टाफ है वो सब भी बहुत हेल्पफुल है, प्लस फूड एटलीस्ट खाने लायक फीलिंग था। एंड टेस्ट में अगर मैं देखूँ तो मैं उसको आई गेस वी कैन रैंक इट 5 out of 10 सो यस इट वॉज वेरी नाइस डे आउट इन ओमान। एंड अब हम जा रहे हैं, अब क्रूज हमारा वापस, अब हमें बस स्टॉप बस पे जहाँ पर हमारा ड्रॉप था वहाँ पे हमें ड्रॉप करेंगे एंड देन वील टेक कैब्स टू आर होम। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने दिल्ली वाले दुबई को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस, बाय बाय।